हेलो गाइस, अगर आप भी स्मार्ट विजन में केवाईसी को पूरा करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। और इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी फटाफट कर दो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जो स्मार्ट विजन एप्लीकेशन में आप कैसे केवाईसी को कम्प्लीट कर सकते हो। सो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नेम स्मार्ट विजन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है, सिंपल आपको सर्च बार पे पे टाइप करना है स्मार्ट विजन ऐप, सिंपल आपको सर्च मारना है। उसके बाद आप देखिएगा ऐप पर लिखाएगा PS स्मार्ट विजन, ओके। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। तो जैसे कि आपने ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे उसका अपना फ़ोन में इंस्टॉल मारना। चलिए मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपका सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस लुक इस टाइप को देखने को मिलेगा। आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। कंपनी का काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कंपनी का नेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्मार्ट विजन लाइफ इंटरप्राइजेस PVT LTD। उसका सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो सिंपल चलिए मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया हूँ। और देखिए मेरा जो आप लेफ्ट साइड में देखिए एक आईडी पासवर्ड है, आपका भी एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है। जब इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको भी एक आईडी या पासवर्ड दिया जाता है। तो देखिए वो आईडी पासवर्ड आपका पे देना है। तो सबसे पहले आपका भी यूज़र नेम देना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। यूज़र नेम पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए आपका फ़ोन में एक मैसेज आया होगा, देखिए उसमें आपको सब कुछ रहेगा। वहाँ पर देखिए मेरे लेफ्ट साइड में जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि ऊपर मेरा जो यहाँ पे यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो क्या कीजिए, ऊपर यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए। चलिए मैं ऐप फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया, सिंपल मैं क्या करूँगा लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा। और देखिए जैसे कि मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा सामने इस टाइप का इंटरफेस लुक देखने को मिलता है एप्लीकेशन का। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपनी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं सिंपल नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। नीचे मुझे KYC कंप्लीट करना है। तो देखिए आपका सामने काफ़ी सारे ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो सब ऑप्शन को एक एक क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये सब ऑप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं, सिंपल मुझे अभी KYC को कंप्लीट करना है। ओके, मैं आपको KYC प्रोसेस से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है KYC, सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है। देखिए KYC जैसे क्लिक करोगे, देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल करके रखा हूँ, इसके लिए मेरा नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपल ऊपर देखिएगा आपके पे जो लॉगिन आईडी रहेगा आपको सिंपल और लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका जो नेम रहेगा यहाँ पे आपका नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा है P.A.N, सिंपल आपको यहाँ पे क्या देना होगा, पेन कार्ड नंबर देना है। देख पेन कार्ड नंबर देना है, देखिए मैंने यह सब कुछ मैंने यहाँ पे हाइड करके रखो अपने प्राइवेसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका पे पेन कार्ड देना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे पेन कार्ड नंबर दे दोगे, आपका पेन कार्ड के ऊपर जो भी नंबर रहेगा आपका पेन कार्ड का नंबर दीजिए। उसके बाद सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा आधार नंबर, तो आपका आधार कार्ड का जो नंबर है आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए, आधार कार्ड का नंबर आपने फिल कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, देखिए आपका पे अकाउंट नंबर, जहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर तो आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, तो अपना सेविंग अकाउंट है, मैंने इसके लिए सेविंग पर क्लिक करके रखा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है IFC नंबर, ओके, तो आपका जो बैंक का IFC कोड रहेगा सिंपल आपको यहाँ पे IFC कोड देना है, तो आप भी ए भी फिल कर लोगे। उसके बाद सिंपल देखिए आपके पास अकाउंट नेम, अकाउंट नेम पे आप जो बैंक अकाउंट का नेम दीजिए। उसके बाद सिंपल देखिए अकाउंट ब्रांच, तो ब्रांच अपना जो भी है मैं ब्रांच यहाँ पे दे दे, आपका जो भी ब्रांच है आप यहाँ पे ब्रांच दे दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका सब इस प्रकार का आएगा, सिंपल अपलोड सेल्फी, तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना सेल्फी को अपलोड करके रखा हूँ, आप अपना सेल्फी को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अपलोड आधार कार्ड, ओके, तो आपका सामने शायद इस टाइप को नहीं देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल आपका भी ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड सेल्फी, तब अपलोड सेल्फी पे क्लिक करके आप अपने सेल्फी को अपलोड कीजिए। अपलोड आधार पे क्लिक करके आप जो अपना आधार कार्ड का आगे वाला हिस्सा को अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है अपलोड पैन कार्ड, तो आप जो यहाँ पे अपना पैन कार्ड का आगे वाला हिस्सा को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सिंपल लिखा है यहाँ पे देखिए अपलोड एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप जो अपना आधार कार्ड का पीछे वाला हिस्सा को आप यहाँ पे
उठा लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, नीचे यहाँ पे देखा है आपको यहाँ पे देना होगा अपलोड चेक फोटो, यानी कि आपका बैंक अकाउंट का जो भी चेकबुक रहेगा आप ऐसे फ़ोटो को दे सकते हो, या तो पासबुक का भी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इस टाइप से आप जो सब कुछ यहाँ पे फिल कर लीजिए। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, आप भी इसी टाइप से सब कुछ फिल कर लीजिए। ओके, आप यहाँ पे आपका जो पासबुक का भी फ़ोटो दे सकते हो या चेकबुक का भी फ़ोटो दे सकते हो। उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपके पास सबमिट वाला बटन पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने सबमिट वाला बटन पे क्लिक करोगे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आपको ये बताया जाएगा कि रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका जो KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो एड्रेस मतलब कि अपडेट करना है तो आप वो कैसे करोगे ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल ऊपर देखिए यहाँ पे थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपका यहाँ पे प्रोफाइल पे जो भी आप फोटो अपलोड करोगे, देखिए आपका सेल्फी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपका नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारा आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिंपल क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अगर मैं प्रोफाइल को अपडेट करना चाहूँ तो सिंपल अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके देखिएगा आपको जो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहो तो ये सब को चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस पे आपका यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलेगा, आपका आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल अपलोड कर सकते हो। ओके, आप ये सब को फिल कर सकते हो। उसके बाद सिंपल नीचे देखिए लिखा है अपडेट प्रोफाइल, तो सिंपल आप जो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। और देखिए ये सब जैसे कि आप कंप्लीट कर देते हो आपका मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। देखिए मेरा जो लेफ्ट साइड में देखिए आपको मैसेज देखने को मिल रहा है कि KYC कंप्लीट का, आपका भी सेम इसी टाइप को देखने को मिलेगा कि आपका KYC कंप्लीट हो चुका है। तो आपने स्मार्ट विजन एप्लीकेशन के अंदर KYC करना तो सीख गया होगा। वीडियो को स्टॉप करने से पहले आपसे छोटा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।